प्रयागराज हिंसा मामले में जावेद मोहम्मद का नाम साजिशकर्ता के तौर पर सामने आया और उसके घर पर प्रशासन की तरफ से एक नोटिस लगाया गया है। नोटिस लगने के बाद माना जा रहा है कि 11 बजे के बाद कभी भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में मोहम्मद जावेद के घर के पास में जो करेली थाना है, इस करेली थाने की तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि पुलिस पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। बिल्कुल सामने एक आप देखिए जेसीबी लगाई गई है और इस जेसीबी के आसपास में अब जो पुलिसकर्मियों की तैनाती है वो संख्या बताती है कि किस तरह से प्रयागराज प्रशासन तैयारी कर चुका है। इन जरा सिपाहियों की संख्या देखिए करेली थाने के बाहर जो खड़े हैं इस वक्त, और साथ ही जो पीएसी और पुलिस की वैन्स खड़ी हैं जरा उनकी संख्या भी आप देखिए तो समझ में आएगा कि किस तरह की तैयारी यहां पर है आज बड़ी कार्रवाई करने की। प्रिजन वैन भी खड़ा किया गया है, यानी कि कैदियों को भर के ले जाने वाली गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, और साथ ही पीएसी की जो अलग अलग टुकड़ियाँ होती हैं उनको ले जाने वाली जो ट्रक्स हैं वो भी मौजूद हैं, और अलग अलग थानों की जो पुलिसकर्मी आए हुए हैं यहाँ पे बुलाए गए हैं उनकी भी गाड़ियाँ यहाँ दिखाई दे रही हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ साथ जो जेसीबी लगाई गई है वो बताता है कि थोड़ी देर में एक बड़ी कार्रवाई प्रयागराज में देखने को मिल सकती है जब मोहम्मद जावेद के घर पर बुलडोज़र चलाया जा सकता है, क्योंकि मोहम्मद जावेद ने जो मकान बनवाया है उस मकान का नक्शा नहीं है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से जो जारी नोटिस है उसमें कहा गया है कि आज सुबह 11 बजे तक अगर मकान खाली नहीं किया गया तो इसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। ऐसे में घर वाले जो अंदर मौजूद हैं उनसे कहा गया है 11 बजे तक का समय है और इस 11 बजे के बाद कभी भी ये जो जेसीबी और बुलडोज़र है ये बाबा का बुलडोज़र है और ये चला करके मोहम्मद जावेद का घर ध्वस्त किया जा सकता है। अपने सहयोगी मोहम्मद मोइन और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।